तो दोस्तों आज आपके लिए 30,000 बजट के बीच में बेस्ट कैमरा वाला, बेस्ट प्रोसेसर वाला, बेस्ट रिफ्रेशर वाला, बेस्ट बैटरी वाला, ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने आपके लिए 5 फोन सेलेक्ट किए हैं। ये 5 फोन देखने के बीच होता है नॉर्मल से लगता है, बट कई इसके बीच में 3 फोन ऐसे हैं जो बहुत ही प्रीमियम से डिज़ाइन के साथ बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है ये स्मार्टफोन में। और कैमरा 4K वीडियो क्वालिटी 60fps में आप बना पाओगे, क्या ही मस्त चीज़ है ना। तो आज की वीडियो हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे पांचवें नंबर पे आता है IQ Neo 7। ये दोस्तों आता है हमारा 6.78 इंच की डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और साथ में 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, ये 3 कैमरेज है। बट भाई यार इससे वीडियो बहुत अच्छी बनती है। और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा, सेल्फी के लिए तो वेरी वेल है यार। और इसमें दी गई है 5000 mAh की बैटरी और साथ में गेमिंग के लिए MediaTek Dimensity 8200 का प्रोसेसर। सो कि ये प्रोसेसर बहुत ही हाई एज गेमिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये वाला फ़ोन। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आया तो ये फ़ोन आपको मिलेगा 30,000 में। तो 30,000 में बहुत अच्छी डील है, तो यार मिस मत करना। तो गाइस 4th नंबर पे आता है हमारा Realme GT Neo 3T। तो Realme का ये वाला फ़ोन ऑब्वियसली बहुत अच्छा फ़ोन है। और Realme का फ़ोन मैं खुद Realme का फ़ोन यूज़ करता हूँ। ये देखो ये Realme 7 Pro है और Realme 7 Pro अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि Realme का फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि Realme का फ़ोन सच में यार मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने लिया। ये देखो क्या यार डिज़ाइन है इसका, बट ऐसे ही प्रीमियम सा डिज़ाइन है Realme GT Neo 3T का। इसमें 6.62 इंचेस की डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ, साथ में इसमें 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरेज हैं और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा है। बेसिकली इसमें 5000 एम्पीयर की बैटरी है, साथ में सुपर डार्ट फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट है, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट मिलती है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है और 8GB रैम, 128GB वेरिएंट। ये फोन आपको 25,000 का मिल जाएगा अगर आप परचेज करना चाहते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus। बेसिकली ये फोन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, Xiaomi के फोन 12 सीरीज अभी 13 आने वाला है, तो 13 सच में यार बहुत अच्छा है। आपने वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पर। तो Xiaomi के यार ये वाला फोन आता है एक 6.67 इंचेस की डिस्प्ले के साथ, एमुलेट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 2 मेगापिक्सल का कैमरा, ट्रिपल कैमरास की सपोर्ट है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा दिया गया है और साथ में 4980 एम्पीयर की बैटरी है। इसमें 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। गेम वगैरह खेलने के लिए MediaTek Dimensity 1080 का प्रोसेसर है। सो कि प्रोसेसर बहुत अच्छा है, तो मज़ेदार प्रोसेसर है और आपको परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छी देगा ये फ़ोन। अगर ये फ़ोन परचेज करोगे तो 30,000 में आप परचेज कर सकते हो, तो 30,000 में बहुत अच्छी डील है। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा Xiaomi Redmi K50i। तो दोस्तों Redmi K50i 90fps के बीच में सपोर्ट करने वाला ये फ़ोन है। तो 90fps सपोर्ट करते हैं इस फ़ोन में। तो अभी यार बहुत सारे लोग अभी कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार Xiaomi के Redmi K50i में 90fps सपोर्ट नहीं कर रहे, मींस कि ये PUBG के लिए फ़ोन है यार, कंपनी ने भाई लॉन्च में ऐसे पबजी के लिए नहीं किया था, बट इसमें 90fps सपोर्ट करते थे। बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब। और ये फ़ोन में एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है 6.6 इंचेस की और 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, और बैक के रियर कैमरास 3 मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और साथ में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा मिलता है। तो यार यहाँ पर बहुत बड़ी बैटरी मिल चुकी है, इसमें 5080 एम्पीयर की बैटरी मिल चुकी है और 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और गेम के विषय अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8100 का प्रोसेसर मिल चुका है, 8/256 वेरिएंट है। तो ये फ़ोन आप 25,000 में परचेस कर सकते हो अगर आप करना चाहते तो कर सकते हो। तो यार डील बहुत अच्छी है, मुझे ये Redmi K50i बहुत अच्छा लगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर वन फोन। पहले नंबर पे हमारा फोन आया है दोस्तों IQ9SE। दोस्तों ये फोन जरूर आज से 2022 के बीच में दोस्तों ये फोन लॉन्च हुआ था, अभी 2023 में सबसे ज्यादा बेस्ट, मींस की टाइम मत देखो, फोन के बीच में जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं, प्रोसेसर मिलता है, डिस्प्ले मिलती है, वो सारी चीज़ें दोस्तों हमें देखनी चाहिए। और ये फोन के विषय सच में यार मैं फैन हो गया इस फोन का, क्योंकि अभी के टाइम में ये फोन हमें इतना अच्छे यार प्राइस के विषय मिल रहा है। तो ये फोन दोस्तों आता है 6.62 इंचेस की डिस्प्ले के साथ, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और साथ में दोस्तों आपको मिल जाती है 8/128 और 128GB वेरिएंट और 12GB रैम वाला भी आप ले सकते हो। ये आपको दो ऑप्शन इस फोन में मिल जाएंगे। बैक रियर कैमरास 3 मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। सो कि इससे आप 4K वीडियो बना पाओगे 24fps, 30fps एंड 60fps में। तो बेसिकली अगर बताऊं तो यहां पर सेल्फी का कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल का मिल चुका है और इससे भी हम 1080 में वीडियो बना पाएंगे, वो भी 30fps में। तो इसमें 3.5mm का जैक हेडफोन लगाने के लिए वायर वाले हेडफोन्स लगाने का ऑप्शन है इस फोन में मिलता है, तो अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ऑप्शन आपको बता दिया है। तो
वैसे तो ये अभी एयरबर्स का जमाना है तो वहीं पर चेस करना। तो 5 4500 एम्पीयर की बैटरी, 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो अब दोस्तों इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का गेमिंग प्रोसेसर है, बहुत वेल एयर प्रोसेसर मिल चुका है, इससे गेम इतनी मस्त चलेगी और फ़ोन भी इतना कमाल का है। और डिज़ाइन वाइज तो कोई डाउट नहीं है कि डिज़ाइन इसका कैसा है, बट यार डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। और ये फ़ोन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो 30,000 में आप परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के विषय जो मैंने आपका स्मार्टफोन्स बताए, तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे में आपके रोज़ाना वीडियोज़ दोस्तों अपलोड करता रहता हूँ। तो आप यार सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बीच में आपको अपना नाम भी देखने को मिल सकता है और आपने जो कमेंट किया उसी कमेंट पर बेस्ड वीडियो होगी जो नेक्स्ट हम डालेंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करो और अपने राय दो कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, गुड बाय।